नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बिट्टू फोन में आपका स्वागत है। आपने अक्सर सुना होगा ऐसा कि डिस्प्ले चेंज होने के बाद मोबाइल फ़ोन में बैटरी बैकअप कम हो जाता है। आज आपको एग्जांपल देके बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखिए, वन प्लस सिक्स है, इसके अंदर जो बैटरी लगी है 3300 mAh की लगी है, ठीक है। अब आपको यार इतनी कम mAh की बैटरी लगी हुई है और आजकल चिल्ला रहे हैं कि 5000 कम से कम होनी चाहिए और 6000 होनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा चलता है। मगर ये फ़ोन भी बहुत अच्छा चल रहा है, दो दो दिन बैटरी चल जाती है भाई साहब इसकी। वन प्लस सिक्स है ये, अब ऐसा होता क्यों है बताऊँ आपको। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे, और लाइक भी कर देना। देखो, इस फ़ोन में वन प्लस सिक्स में लगी हुई है एमोलेड डिस्प्ले, यानी कि ओलेड या एलईडी जिसे आप बोलते हैं। अब ये इसमें एलईडी लगी हुई है, एलईडी जो है बैटरी कम कंज्यूम करती है, ठीक है, बैटरी कम लेती है एलईडी एलसीडी के मुकाबले में। अब इसकी एलसीडी भी मार्केट में आती है। मान लीजिए आपके पास वन प्लस का या कोई भी एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन हो, आपके फ़ोन की एलईडी ख़राब हो गई, तो आप उस कंडीशन में आप दुकान पे जाओगे, दुकान वाला आपको तीन चार तरह के ऑप्शन दे देगा कि भाई TFT लगाऊं, IPS लगाऊं, या LCD लगाऊं, या फिर LED लगाऊं। दुकान वाला आपको देगा चार ऑप्शन, भाई TFT लगाऊं, या LCD लगाऊं, या IPS लगाऊं, या LED लगाऊं, या OLED लगा दूं, और भी दो तीन तरह के ऑप्शन आपको मैनिपुलेट करने के लिए वो दे देगा ऑप्शन, ठीक है। उस ऑप्शन में क्या होगा, LCD जो होगी LCD जो है सस्ती बताई जाएगी, और LED जो होती है ना वो महंगी आती है, तो वो महंगी बताएगा। तो LCD अगर आपने अपने फ़ोन में लगा ली, मान लीजिए ये फ़ोन आपका है, ठीक है, वन प्लस सिक्स फ़ोन आपका है, इसमें LED लगी हुई है और ये टूट गई। टूटने के बाद आप आ गए दुकान पे, दुकान वाले ने आपको बोला भाई इसमें LCD लगा दूँ, वो सस्ती पड़ेगी, वो पड़ेगी तकरीबन आपको 1500 रुपये तक के। आप अगर कहोगे कि भाई ठीक है LCD लगा दे यार, सस्ती है, तो अब एक गेम समझने की कोशिश करना। जब तक इस फ़ोन में LED लगी हुई है ना, तब तक तो ये 3300 mAh जो लिखा है ना बैटरी का, ये एम्पियर जो होते हैं मिली एम्पियर, ये ठीक तरीके से काम करेंगे। और इसमें जहाँ LCD आपने इनपुट कर दी, LCD लगा दी, उसके बाद आपके ये गड़बड़ा जाएंगे, ये 3300 mAh जो है, ठीक है, ये वोल्टेज कम होने लगेगी, मतलब बैटरी को LCD ज़्यादा पीती है, क्योंकि उसमें LED की पूरी लाइन लगी होती है। आपको मैंने पहले भी दिखा रखी है डिस्प्ले खोल के, ठीक, आपको दिखाऊं, देखो अभी दिखा देता हूँ यार, एक बार और दिखाऊं अपने दोस्तों को, ऐसी बात नहीं है यार, मैं चाहता हूँ आपको कोई बंदा बेवकूफ़ ना बनाए और पूरा सही तरीके से सीख जाओ। देखो, मान लीजिए ये वाली LCD है, ठीक है, ये रिना LCD, इसी मॉडल की दिखा देता हूँ यार, टेंशन मत लो आप। देखो, ये AMOLED से रिलेटेड ही LCD आपको दिखा देता हूँ, ये AMOLED डिस्प्ले है, और ये AMOLED डिस्प्ले, ये ओरिजिनल है, इसमें LED होती है, LED है, इसका जो पूरा पैनल होता है ना, उसमें पूरे में लाइट होती है भाई, पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसके पिक्सल के अंदर ही लाइटें होती है, ठीक है, इसमें अलग से लाइट का पत्ता नहीं दिया जाता LED में, क्योंकि इसके पिक्सल होते ना जो, वो कलर के हिसाब से अपनी लाइटें जला लेते हैं, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। देखो, मैं दिखाता हूँ अब इसमें LCD में, इसी का एक वर्जन आएगा LCD जो सस्ती आती है मार्केट में, ठीक है, डिस्प्ले तो पूरी आएगी, मगर उसमें लाइट कहाँ से पहुँचेगी, यहाँ से पहुँचेगी, नीचे से, यहाँ नीचे पूरी स्ट्रिप दे रखी है, पूरी लाइन दे रखी है LED की। ये आपको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ कि आपने LED बल्ब आजकल आ रहे हैं ना, 3 वाट के आ रहे हैं, 5 वाट के, 6 वाट के, ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना, वो भी पूरे कमरे में रोशनी कर देते हैं, मगर उससे पहले एक चीज़ और आती थी, उसे बोलते थे हम बल्ब, है ना, 100 वाट का, 60 वाट का ना, वो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता था, लाइट वो भी देता था, और लाइट ये LED भी दे रही है, और LED की लाइट थोड़ी अच्छी हो गई और बिजली भी कम लेने लगी, तो इसलिए हम उसको खरीदने लगे, और वो महंगी आती है भले ही। अब बल्ब 10 रुपये का आ रहा है, मगर वो बिजली ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो बल्ब कोई नहीं खरीदेगा कि भाई वो फिर महीने में बिल भी तो ज़्यादा ही आ रहा है उसका, तो इसलिए सब LED खरीद लें कि एक बार पैसा खर्च कर लेते हैं, LED बल्ब जितने का भी आता है 100-150 रुपये का, उतना खर्च करके वो अपने सालों महीनों के पैसे बचा लेते हैं, बिल में फिर ज़्यादा पैसे नहीं आते हैं ना, वही फ़र्क है इसके अंदर भी, है ना। इसमें LCD में ये लाइट लगी होती है, देखो ये अगर ये लाइट हटा देंगे तो लाइट नहीं जलेगी डिस्प्ले पे बिल्कुल भी, मगर जो LED होती है ना, LED में यहाँ पूरे में जो जितनी LED लगी होती है ना, आपने सुना होगा 1080 मेगापिक्सल, 720 मेगापिक्सल, जो पिक्सल्स का जो ग्राफ होता है ना पूरा, वो LED के अंदर होता है। देखो ये LED है, ऊपर तक सब में इसके पिक्सल के अंदर ही लाइटें दे दी जाती हैं, उसी की रोशनी से आपको पिक्चर नज़र आ जाती है, पिक्सल्स के अंदर ही होती हैं, ठीक है। तो LED इस वजह से कम बैटरी कंज्यूम करेगी, और जब तक LED फ़ोन के अंदर लगी हुई है ना, अगर आपने LED वाला फ़ोन कोई ले रखा है, तो उसमें भले कितने भी कम mAh की बैटरी दे रखी होगी, वो उसके हिसाब से दे रखी होगी, कम mAh भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएगी आपको, ठीक है। और अगर आपने LCD लगा दी उसमें, अब इसमें अगर मैं LCD लगा दूँ, तो ये जो 3300 mAh है ना भाई साहब, सुबह से शाम तक बैटरी नहीं चल पाएगी इसकी। ये चीज़ है ना, आप ध्यान रखना, डिस्प्ले अगर चेंज कराओ तो LED ही चेंज करवाना, जिसमें अगर आपकी 4000 mAh से नीचे अगर आपकी बैटरी है ना आपके फ़ोन के अंदर, आपको पता ही होगा कागज़ों में लिखा रहता है, या फिर बैटरी के ऊपर भी लिखा रहता है, या आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में कितने mAh की बैटरी लगी हुई है आपके मॉडल में। अगर 4000
एमएस से नीचे लगी हुई है ना और उसमें एलईडी दे रखी है, तो सेकंड टाइम जब आप चेंज कराओ ना उसकी डिस्प्ले तो एलईडी ही चेंज करवाना, एलसीडी लगवाना बेकार रहेगा क्योंकि बैटरी बैकअप आपका खराब हो जाएगा, फिर आपको आपका ना मन नहीं लगेगा फोन चलाने में, आपका फोन जल्दी डाउन हो जाया करेगा क्योंकि जो एलसीडी में जो ये एलसीडी में जो लगे होते हैं ना ये लाइट इमिटिंग डायोड जो लगे होते हैं एलसीडी में, ये ज़्यादा आपकी बैटरी को कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा पिएंगे बैटरी को, ये फ़र्क होता है। अब इसमें 3300 mAh है तो ये बढ़िया परफॉर्मेंस देगी जब तक इसमें ये एलईडी लगी हुई है, ठीक है, जब तक एलईडी लगी हुई है। एलसीडी लगाने के बाद आपकी बैटरी कम चलने लगेगी, बस ये फ़र्क होता है। मेरे ख्याल है आपकी समझ में एलईडी और एलसीडी के बारे में कुछ थोड़ा सा अगर आपको समझ में आया हो इसके बारे में। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन भी थे कि मेरे मोबाइल में एलईडी लगती है और ये टूट गई है, अब क्या मैं एलसीडी लगवा सकता हूँ? भाई एलसीडी लगवा तो लोगे, मगर आप ये ध्यान रखना आपके फ़ोन की बैटरी का बैकअप कम हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। भाई हम रिपेयर ही करते हैं भाई सारा दिन, है ना, और हमें पता होता है, इसका रिव्यू भी पता होता है, शाम तक है ना कस्टमर रिव्यू दे देता है हमको, जब फ़ोन ठीक करा के लेके जाता है ना एलसीडी डलवा के, हम उसको पहले ही बता देते हैं कि भैया उसमें है ना आपकी बैटरी थोड़ी ज़्यादा पिएगी एलसीडी, ठीक है। कस्टमर कहता है कि ठीक है भैया कर दो, अब क्या करो, मजबूरी है क्योंकि सस्ती पड़ती है ना एलसीडी और एलईडी महंगी पड़ती है। फिर वो अगले दिन या शाम को आके बता भी देता है कि भाई बैटरी है ना पहले के मुकाबले में 70-80% चल रही है, बस 20% का फ़र्क तो पड़ा है, तो फ़र्क तो देखिए पड़ेगा, है ना। जानकारी काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए मेहमान है तो, और नहीं तो पुराने भाई हैं तो लाइक जरूर करके जाना भाई हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।